हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ जीके के टॉप 3000 सीरीज चालू करने जा रहे हैं, जो एमसीक्यू माध्यम में होंगे और जिसका लैंग्वेज हिंदी होगा। ये पार्ट वन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल की ओर से कई सारे पेड ग्रुप चलाए जाते हैं, जिसको आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप प्रेरित ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, और फ्री मटेरियल पाने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पर बहुत सारा फ्री में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस महान ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है महाभारत, ऑप्शन बी है रामायण, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों महाभारत। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्थान को सालवन का द्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए है कोरिया, ऑप्शन बी है जसपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है बस्तर। तो सालवन का द्वीप कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी बस्तर को। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को देश का धान का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ का सॉरी धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है? तो ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है वन भैंसा, ऑप्शन सी में दिया है चीता, ऑप्शन डी है नीलगाय। तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक कौन थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है माधव राव सप्रे, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रामलाल तिवारी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है माधव स्वरूप, ऑप्शन डी में दिया हुआ है हीरालाल शास्त्री। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मासिक समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र के प्रथम संपादक थे माधव राव सप्रे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन हेतु सर्वाधिक श्रेय निम्नलिखित में किस राजनीतिक दल को दिया जाता है? ऑप्शन ए बसपा को, बी है भाजपा को, ऑप्शन सी है कांग्रेस, और डी में दिया हुआ माकपा को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भाजपा को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन जोगी मारा गुफा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सरगुजा, बी है रायपुर, सी है बिलासपुर, और डी में दिया है दुर्ग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरगुजा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 25वां, बी है 26वां, सी है 22वां, और डी में दिया हुआ 24वां। तो इसका राइट आंसर है 26वां, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ भारत गणराज्य का 26वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पुलिस वाहन का सीजी कोड नंबर क्या है? ऑप्शन ए है 1, बी में दिया हुआ है 5, सी में दिया हुआ है 7, और डी में दिया हुआ है 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, बी में दिया हुआ है डॉक्टर खूबचंद बघेल, और डी में दिया हुआ सी में दिया हुआ है प्यारेलाल, डी में है पंडित रविशंकर शुक्ला। तो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए दिया हुआ है 1 दिसंबर 2001, 1 अक्टूबर 2001, सी में दिया हुआ है 1 नवंबर 2000, और डी में दिया हुआ है 1 दिसंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया 1 नवंबर 2000 में।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शीशम, बी में है बीजा, और सी में है सागौन, और डी में है साल। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है साल। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ झलक, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ युग, और ऑप्शन डी में दिया हुआ महाकौशल। तो इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़ मित्र, ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है आंध्र प्रदेश, बी में है कर्नाटक, सी है उड़ीसा, डी है मध्य प्रदेश। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? तो इन चारों में से कर्नाटक ऐसा राज्य है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है, और बाकी तीन राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है सातवां, बी में दिया हुआ है आठवां, और सी में है नौवां, ऑप्शन डी में है दसवां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है नौवां, जो ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या बतानी कितनी है? ऑप्शन ए है 40% से अधिक, बी है 36% से अधिक, सी है 32% के लगभग, और डी में दिया हुआ है 28% से अधिक। तो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की जनसंख्या है 32% के लगभग, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोयला उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। छत्तीसगढ़ का देश में द्वितीय स्थान है कोयला उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रायपुर, ऑप्शन बी में है बिलासपुर, ऑप्शन सी है अंबिकापुर, ऑप्शन डी है दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ की ब्रेल लिपि कहाँ स्थित है? यह है बिलासपुर में, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है श्री मोहन शुक्ला, बी है अशोक दरबारी, सी है डॉक्टर खेलन राम जांगड़े, ऑप्शन डी में दिया हुआ है चंद्रशेखर साहू। तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे श्री मोहन शुक्ला, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, टिन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी पंचम। टिन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में स्थान है प्रथम स्थान है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है? ऑप्शन ए श्रमिक, ऑप्शन बी मंदी, और ऑप्शन सी श्रमिक असंतोष, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों की कमी। तो छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख सामाजिक आर्थिक समस्या है ऑप्शन ए श्रमिक पलायन। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना प्राणी शास्त्र के अनुसार किस प्रजाति की है? इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है ग्रेकुआ रिलीजियोसा, ऑप्शन बी में है ग्रेकुला इंटरमीडिया, ऑप्शन सी में है ग्रेटी एंड मानेंसिस, ऑप्शन डी में दिया है ग्रेटी पेनिनसुलेरिस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ग्रेटी पेनिनसुलेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साल के वृक्ष को नष्ट करने वाला एक घातक कीड़ा है?
ऑप्शन ए साल रेम, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी सालबोर, ऑप्शन डी ट्रीबोर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सालबोर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, देश के बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय स्थान, ऑप्शन बी तृतीय स्थान, ऑप्शन सी चतुर्थ स्थान, ऑप्शन डी पंचम स्थान। तो देश में छत्तीसगढ़ का बॉक्साइट उत्पादन में स्थान है पंचम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बा नारायण थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से निर्वाचित प्रथम महिला सांसद कौन थी ये बताना है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है छाबड़ी देसाई, ऑप्शन बी में है मिनी माता, ऑप्शन सी में है रानी पद्मावती, ऑप्शन डी में है छबली छबिला नेताम। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मिनी माता। अगला क्वेश्चन से दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा बस्तर, ऑप्शन बी राजनांदगांव कांकेर, ऑप्शन सी में है जसपुर और सरगुजा, ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरयुक्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपरयुक्त, जितने भी जिले दिए हुए हैं सभी नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं जो हैं दंतेवाड़ा बस्तर राजनांदगांव कांकेर जसपुर सरगुजा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन से, बहुचर्चित नक्सल विरोधी अभियान सलवा जुडू का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है जन जागरण, बी है वंदे मातरम, सी है शांति की ओर लौटो और ऑप्शन डी दिया हुआ जागरूकता। तो सलवा जुडुम का हिंदी अर्थ है जन जागरण, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 15.20%, ऑप्शन बी है 16.15%, ऑप्शन सी है 17%, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 18.08%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 18.08%। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत तक विस्तृत था? ए में दिया हुआ है 30%, बी में दिया हुआ है 28%, सी है 41% और डी में दिया है 35%। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30%। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा प्रस्तावित है गोडी, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी हल्बी, ऑप्शन डी भतरी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है, प्रस्तावित राजकीय भाषा है छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रथम, बी है द्वितीय, सी में दिया है तृतीय और डी में दिया हुआ है चतुर्थ स्थान। तो वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का देश में स्थान है तृतीय, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? ऑप्शन ए है खरगोश जैसी, ऑप्शन बी है समुद्री घोड़ा जैसा, ऑप्शन सी है मछली जैसा, ऑप्शन डी है मगरमच्छ जैसा। तो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा के जैसा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए में दिया है कामना, ऑप्शन बी में दिया है कांता, ऑप्शन सी में दिया हुआ है करुणा और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कनक। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए है मितान, ऑप्शन बी है पहुना, ऑप्शन सी है ठौर, ऑप्शन डी है संगवारी। तो प्रदेश के विधायक विश्राम गृह का नाम रखा गया है संगवारी, ऑप्शन नंबर डी राइट है।
छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय जिलों की संख्या थी 16, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 9.48%, ऑप्शन बी है 6.15%, ऑप्शन सी है 7%, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 14%। तो देश के कुल बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान है 9.48%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम केंद्र का नवीनतम प्रदेश स्तरीय मुख्यालय का प्रारंभ कहाँ से किया गया है? ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है जगदलपुर, ऑप्शन डी है कोरबा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रायपुर। अगला क्वेश्चन है, वैकल्पिक वृक्षारोपण करने वालों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दिया हुआ है प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय स्थान, ऑप्शन सी है तृतीय स्थान, ऑप्शन डी है चतुर्थ स्थान। तो वैकल्पिक वृक्षारोपण करने में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में है प्रथम स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में एशियाई विकास बैंक का छत्तीसगढ़ राज्य कौन सा फोकस राज्य है? ऑप्शन ए है पांचवा, बी में दिया हुआ है दूसरा, सी है पहला और डी दिया हुआ है तीसरा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के संबंध में असत्य बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए है, चार दिए इसमें क्या असत्य वो बताना है। ए है वार्षिक वृद्धि दर 21% है, साक्षरता 71.04% है, जनसंख्या घनत्व 189 है, स्त्री पुरुष का अनुपात 991 है। तो दोस्तों में राइट आंसर गलत, जो गलत है एक ऑप्शन गलत है उसको बताना है, बाकी तीन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ की वार्षिक वृद्धि दर 21% नहीं है। इसकी वार्षिक वृद्धि दर है 22.61%, बाकी ये तीन सही हैं। साक्षरता 71.04% है ये सही है, जनसंख्या घनत्व 189 ये सही है, स्त्री पुरुष अनुपात 991 ये सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को राज्यसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 11 अगस्त 2000 को, ऑप्शन बी है 9 अगस्त 2000 को, ऑप्शन सी है 7 अगस्त 2000 को, ऑप्शन डी है 3 अगस्त 2000 को। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 9 अगस्त 2000 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1905 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1956 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन 1956 में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन बताएं। असत्य बताना है फिर वही क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में पहला स्थान है, ऑप्शन बी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं 6 राज्यों को छूती हैं, ऑप्शन नंबर सिक्स में है, सी में है जनसंख्या में देश छत्तीसगढ़ का स्थान 17वां है, ऑप्शन डी है क्षेत्र के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां है। तो इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसका असत्य कथन है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ये गलत है, लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान नहीं है, प्रथम स्थान है केरल, केरल का, जिसका लिंगानुपात 1000 अनुपात
1084 ईस्वी, मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। बाकी ये तीन ऑप्शन सही हैं। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं 6 राज्यों को छूती हैं, ये सही है। जनसंख्या में देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 17वां, ये सही है। और ऑप्शन डी, क्षेत्रफल के अनुसार देश में छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां, ये भी सही है। छत्तीसगढ़, एक बार बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात 991 है, 991। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 31 जुलाई 2000 को, ऑप्शन बी है 29 जुलाई 2000 को, ऑप्शन सी है 27 जुलाई 2000 को, ऑप्शन डी है 21 जुलाई 2000 को। तो छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में पारित किया गया था 31 जुलाई 2000 को। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, ऑप्शन बी नरेश चंद्र सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी है पंडित श्यामा चरण शुक्ल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता कौन थे? ऑप्शन ए मोतीलाल वोरा, बी में दिया हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा, सी में दिया हुआ है डॉक्टर कैलाश नाथ कारजू, डी में दिया हुआ है पंडित रविशंकर शुक्ल। तो प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय राजनेता थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, मतलब हुआ? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1965 में, ऑप्शन सी 1956 में, ऑप्शन डी 1955 में। तो प्रथम पृथक छत्तीसगढ़ के लिए सुनियोजित संघर्ष 1975 में शुरू हुआ था, ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का एक सरोवर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एक उत्तम तालाब को, ऑप्शन बी एक बार अच्छी वर्षा को, ऑप्शन सी एक अंक भार घास घास को, ऑप्शन डी एक घेरा केला को। तो छत्तीसगढ़ का एक सरोवर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है एक बार अच्छी वर्षा को, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक ओजस्वी एवं विवादास्पद समाचार पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए अरुणोदय, ऑप्शन बी में दिया हुआ है हिंदी केसरी, ऑप्शन सी है उत्थान, ऑप्शन डी है विकास। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हिंदी केसरी। हिंदी केसरी था जो सर्वाधिक ओजस्वी एवं विवादास्पद समाचार पत्र था। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बोली में पहली बार किस वर्ष में फिल्म बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1963 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1963, ऑप्शन नंबर सी 1963 में प्रथम छत्तीसगढ़ बोली में फिल्म बनाई गई थी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।